पे विधायकों की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के विधायकों की बैठक है। निर्वाचन आयोग के संभावित फैसलों पर इसमें चर्चा किया जाएगा। फैसले से पहले एकजुटता दिखाने की कोशिश भी है ये बैठक, और तमाम संभावनाओं को लेकर उस पर चर्चा होगी, विमर्श होगा कि अब आगे करना क्या क्या है, क्योंकि अब सब कुछ टिका हुआ है कि उस रिपोर्ट में है क्या। रिपोर्ट जो कि एक मंतव्य के तौर पर राज्यपाल ने मंगवाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, इलेक्शन कमीशन से मंतव्य मांगा था, जो रिपोर्ट के तौर पर पहुंचा हुआ है। बैठकों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। विधायक तमाम यूपीए के एकजुट हैं, ये भी जताने की कोशिश है, एकजुटता बनाए रखने की भी कोशिश है, और साथ में ये भी देखिए बैठकों का सिलसिला जारी है। हालांकि इंतजार उस रिपोर्ट का है कि रिपोर्ट में आखिर है क्या। तो निर्वाचन आयोग के संभावित फैसले पर यह चर्चा है। लगातार हम देख रहे हैं कि यूपीए की बैठक चल रही है। यूपीए 20 अगस्त को पहली बैठक हुई थी, तब उसे कहा जा रहा था कि यूपीए की बैठक पहले से तय थी कि महीने में एक बार यह बैठक होगी, लेकिन उसी दौरान एक हिडन एजेंडा जरूर था। हालांकि उस पर खुलकर किसी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन यह तय हो गया था कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से फैसला आना था, इसलिए उस पर भी चर्चा होगी। उसके बाद से जब फैसले की बात सामने आई कि रिपोर्ट राजभवन को भेजा गया है, इसके बाद से बैठकों का सिलसिला जेएमएम अलग बैठती है, कांग्रेस अलग बैठते, फिर सब साथ ही बैठते हैं। और चलिए एक बार फिर से हम चलते हैं हमारे सहयोगी अंजनी के पास। वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के पास मौजूद है, वहां के हलचल उन्हीं से जानते हैं। अंजनी, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या एक बार फिर से जुटान शुरू हो चुका है, और ये एक ऑफिशियल बैठक है या फिर अनऑफिशियल बैठक की एक औपचारिकता है या अनौपचारिक तौर पर ही बैठक है? देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अनुसार देखेंगे तो ये यूपीए की बैठक है, और यहाँ विधायक और मंत्री जो है उनका आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। बन्ना गुप्ता आए हैं, मथुरा महतो आए हैं, और सबसे पहले पहुंचे हैं अनूप सिंह। तो धीरे धीरे तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, और ये स्थिति आप देखेंगे यहाँ मीडिया का भी पूरी तरह से जमा हुआ है, और आज भी बैठक है, और बैठक भी कल भी दो बार बैठक हुई है, और आज 11 बजे का समय है। धीरे धीरे करके तमाम विधायक जो है वो पहुँच रहे हैं, तो देखना ये होगा कि ऐसे समय में क्या होगा यहाँ, और बैठक में क्या बात निकल कर आती है। लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर यदि हम बात करेंगे, हमारे साथ विपिन हैं जो लगातार कांग्रेस को कवर करते हैं, मुख्यमंत्री को कवर करते हैं। विपिन, आज भी बैठक है, कल भी आप लोग जो बैठक में, कल भी थे, कल दो बार बैठक हुई। जी देखिए, बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीते 48 घंटे से जब से ये सूचना आई है कि चुनाव आयोग का पत्र राजभवन आ गया है, लगातार बैठकें हो रही हैं, राजभवन की ओर नजरें हैं। लेकिन कल जिस तरह से देर रात ये जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री की विधायकी को निरस्त करने के लिए सहमति गवर्नर ने बना ली है, और कभी भी चुनाव आयोग को गवर्नर का पत्र जा सकता है। अभी फिर सभी विधायकों को बुलाया गया है, कल सुबह एक बार बैठक हुई, फिर देर रात बैठक हुई, एकजुटता साफ दिखी, मजबूती के साथ सरकार दिख रही है, सरकार पर किसी तरह का संकट नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर संकट को कुछ था तो मुख्यमंत्री की विधायकी पर, और जिस तरीके से सूचना आ रही है कि मुख्यमंत्री पर कोई बड़ा एक्शन चुनाव आयोग
और गवर्नर नहीं लेने जा रहे हैं, यानी कि उनको डिबार करने जैसी बात अभी नहीं है। इसका मतलब कि वो बाई इलेक्शन फाइट कर सकते हैं और जो व्यवस्था है उस हिसाब से चाहेंगे तो फिर से सरकार को आसानी से रन करा लेंगे। लेकिन अभी जो जानकारी है कि इस बैठक के बाद आज कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ मूवमेंट हो सकता है, उस मूवमेंट का इंतजार सब कोई कर रहा है। इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही है कि कोई सेफ साइड को देखकर इस बैठक में एक बड़ा निर्णय हो सकता है और उसके बाद जो राजनीतिक उठापटक का माहौल था उसको एक विराम मिल सकता है और संभवतः ये भी हो सकती है कि झारखंड की राजनीति किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट कर सके। अच्छा ये बताइए कि ये भी खबर लगातार आ रही है कि कई विधायक जो हैं वो छत्तीसगढ़ बसों से गए, कितनी इस खबर में मतलब सत्यता है, पुष्टि कर? बिल्कुल, ये इस खबर का बतौर पत्रकार मैं खंडन करूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गलत और भ्रामक खबर फैलाई गई है कि इस तरीके से देर रात बस से ले सुबह से करीब 10 से 15 विधायकों से मेरी खुद बात हुई है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से मेरी बात हुई है, कई अन्य नेताओं से बातचीत हुई है, सबने एक सिरे से खंडन किया है और जिसने ये खबर चलाई थी उसने अपने खबर को डिलीट भी कर लिया है। अगर सत्यता होती तो खबर को डिलीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहीं नहीं गया। देर रात मीटिंग के बाद सब अपने घर गए हैं और 11 बजे से 11:30 बजे तक सबको सीएम हाउस बुलाया गया है, विधायकों का आने का सिलसिला जारी। आप मेरे से पहले हैं, आप भी देख चुके हैं और लगातार धीरे धीरे करके सब विधायक आएंगे क्योंकि सबको मालूम है कि आज राजभवन से पत्र जाना है, कब जाएगा, उसके बाद की रणनीति क्या होगी, क्या कोर्ट जाने की नौबत आएगी या फिर कोई नए तरीके से चीज़ों को संवारने की जरूरत पड़ेगी, तो सबकी नज़रें फिर से राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पे है। लेकिन इतना जरूर है कि जो राजनीतिक संकट का आकलन किया जा रहा था वैसा कोई बड़ा संकट। ये बताइए कि अभी जैसे राजभवन में चिट्ठी है, फिर ये जो प्रोसेस होगा वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा और क्या फाइनली विधानसभा अध्यक्ष के पास चिट्ठी आएगी? जी बिल्कुल, गवर्नर ने जो चिट्ठी लिखी है जिस पे कि कल हस्ताक्षर नहीं हो पाया, विश्वस्त सूत्रों ने कल देर रात तक आधिकारिक पुष्टि की है और उन्होंने ये भी बताया है कि आज पत्र भेजा जाएगा ये तय है। तो इसमें जो प्रक्रिया है कि राज्यपाल जो उन्होंने मंतव्य मांगा था राज्य चुनाव आयोग से, उस मंतव्य के आधार पर अपना निर्णय चुनाव आयोग को बताएंगे क्योंकि ये विधायकी का मसला है। उसके बाद चुनाव आयोग जो झारखंड में केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उनको पत्र भेजेगा, फिर वहाँ से ये पत्र गवर्नर के पास जाएगा क्योंकि जो सदस्य हैं वो विधानसभा के सदस्य हैं तो गवर्नर को इसकी जानकारी देनी होगी और इसी प्रक्रिया के तहत जो भी चुनाव चाहे उनकी विधायकी निरस्त करने की बात हो ये तमाम प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये देखिए, ये तमाम जो बातें हैं वो विपिन ने बताया कि किस तरह से अब तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन विपिन ने जो बात बताई आज का दिन महत्वपूर्ण है, यहाँ सीएम आवास में जो बैठक हो रही है कुछ एक बड़ा फैसला जो है वो निकल कर सामने आ सकता है और ये जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ यूपीए की जो बैठक है उसमें एकजुटता भी महत्वपूर्ण बात है कि सभी लोग जो हैं एक साथ हैं और ऐसे संकट के समय में जब तमाम लोग एक साथ होते हैं तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जो भी निर्णय होंगे तमाम लोगों के सहयोग से जो भी फैसला होगा, तो ये अब आज की बैठक महत्वपूर्ण है। तो अब देखना ये होगा कि अब आने वाले समय में देर शाम तक क्या बातें निकल कर आती हैं, लेकिन अब विधायक और मंत्रियों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया अंजनि, आपने पूरा अपडेट बताया कि क्या क्या फिलहाल होने जा रहा है और किस तरीके से एक बार फिर से सुबुगाट यहाँ पर है, फिर से सरगर्मियां देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री आवास में और सभी एकजुट है, बस इंतजार उस फैसले का है जो राज्यपाल को लेना है, उस फैसले का है जो राज्यपाल संभवतः उस रिपोर्ट के आधार पर, उस मंतव्य के आधार पर चुनाव आयोग को भेजेंगे और चुनाव आयोग से फिर राज्य निर्वाचन आयोग तक और विधानसभा तक वो फैसला पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनि हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।